व्हाट्स अप लोग, प्रणाम कार्तिक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहेंगे। अगर मैं इस तरह तैयार हूँ तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ कॉलेज। पहले मेरा प्लान था कहीं और जाने का, पर प्लान कैंसिल करके मुझे कॉलेज जाना पड़ा है, तो इट्स ओके, चलो चलते हैं। लकीली आज मोटो ब्लॉग मिल जाएगा। सेटअप मैं दोबारा पहले जैसा कर रहा हूँ, क्योंकि यार इसमें क्या है ना, हेलमेट खिसकता है बहुत ज़्यादा, नीचे को खिसकता है तो इशू रहता है, वो हाफ कवर कर लेता है। चलो, ये रही अपनी बाइक सामने जो खड़ी है, ब्यूटीफुल सी। चलो अभी चलते हैं बस कॉलेज के लिए, निकलते हैं। अभी मेरे को हेलमेट आगे से भारी भारी सा महसूस होता है, वाइजर तो वैसे भी डाउन ही करना पड़ेगा। स्टैंड ऊपर नहीं करा था मैंने, भूल गया था। कल परसों है, आज क्या तारीख है, 10 तारीख है आज। आप लोग देख रहे होगे तो गहरा होगी, परसों है मतलब आपके हिसाब से कल है, मेरे हिसाब से परसों। परसों है हमारे कॉलेज में फ्रेशर, जो नए बच्चे आए हैं उनका स्वागत हुआ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। आई वॉज द लास्ट ईयर मिस्टर फ्रेशर, क्या मतलब प्रूफ चाहिए, मतलब भाई की बात है, विश्वास ही नहीं है यार। लो यार तुम फोटोज़ देख लो, मेरे को अगर वीडियोस, लो यार तुम फोटोज़ देख लो, चलो देख ली ना भाई साहब, देख ली। पर स्टिल लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, मुझे आज भी याद है। हो 63 में मैंने लीन किया भाई, भाई मज़ा आ गया। आई एम गेटिंग एग्रेसिव डे बाई डे। बस फटाक से कॉलेज पहुंचेंगे, घर में मच्छर काट रहा है शायद। पहले तो बैठे देखो तीन, ऊपर से ना हेलमेट और गैस बोर्ड, इनके पास लाइसेंस भी नहीं था। आई एम श्योर इनके पास लाइसेंस भी नहीं होगा। सो पीपल्स, अब मैं हूँ कॉलेज में, यहाँ चल रही है फ्रेशर्स की तैयारी। डू यू गाइस नो हिम? अरे हाय, तेरे को डालूंगा ब्लॉग में बेटा अलग से। ये टॉर्क भी हो जाए भाई, स्वर्ग भी हो जाए एक बार, स्वर्ग ये रहे हमारे तुषार भैया। इंस्टा आईडी मिल जाएगी, इंस्टा आईडी देंगे भाई, देंगे इंस्टा आईडी। नेहा और बुआ जी इंस्टा आईडी यहीं कहीं सबकी फ्लोट हो रही होगी, तेरी नहीं दूंगा, इसकी भी मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। मैं हेलो रिया। आप हेलो क्या? संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति बन गया या मैं बनू? बना दे, बन गया, बन रहा है। अब इसको बंद कर दो, शटर बंद। यहाँ पे भी एक लड़का है, स्टेज पे कैसे करेगा तू? अच्छे से करके दिखे जरा एक बार। अबे कुछ तो डूबेगा, चल भटूरे खा कर आ गया और इतने सही भटूरे। कहाँ से खाए? शर्म नहीं आ रही भटूरे का, भटूरे की नारी है ये। यार मत कर यार डाइट पे। देखियो यार कितनी कमी है, मैं डाइट पे हूँ तो मेरे को भटूरे की नारी है। हाँ, नेगेटिविटी स्किप करनी चाहिए, डोंट लिसन टू नेगेटिविटी। क्या हाल है? अरे उधर तो हो यार, अरे अरे नहीं भेज रहा यार, तू भी क्या बात कर रहा?
अच्छा इसका टर्क वाला सीन डाल देना बीच में। रिकॉर्ड हो गया भाई, रिकॉर्ड हो गया भाई। तेरी पार्टनर कौन है? अरे बना दिया तू भी कुछ कर ले। चलो ठीक है, मुझे तो कंटेंट मिल रहा है। मुझे तो कंटेंट मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ दिव्यम कैसे डूब रहा है। यार तूने सही बोल दिया यार। आहा, आगे अबे लाइट की वजह से सब काला हो जा रहा है। आ जा जा, कंटेंट मिल रहा है। चलो 5 6 7 8। वॉलेट से निकल के मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी, अब करिए रिकॉर्डिंग ऑन। सो अभी बस जा रहे हैं घर। आज का दिन ओवरऑल अच्छा था। मैं सोच रहा हूँ, देखो पहले मेरा प्लान क्या था कि मैं फ्रेशर्स में ना जाऊँ क्योंकि मेरा अंदर से मन नहीं था, पर अब जैसे कि सब लोग मुझे बुला रहे हैं, मतलब ज़्यादातर लोग मुझे बुला रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं, कुछ अननोन्स भी बुला रहे हैं और कुछ जो नए दोस्त बने हैं वो भी बुला रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं गिव इट अ ट्राई, फ्रेशर्स में जाना चाहिए। ओवरऑल मुझे थोड़ा सा कंटेंट मिल जाएगा, मस्ती मजाक थोड़ा डांस वांस का कंटेंट मिल जाएगा और तो कुछ नहीं। भाई मेरे को पता है एक चीज़ समझ में नहीं आती कि मैं इसका ये जो देखो ये खिसक के फिर मेरी आँख के सामने, मतलब आधा विजन ब्लॉक हो जाता पता फ़ोन लगाने की वजह से, क्यों फ़ोन का वजन बाकी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक्शन कैमरा ले लूँ या फिर मेरे को कोई वो हेलमेट लेना पड़ेगा जो कि मेरे फेस पर पूरी तरह टाइट हो जिसकी वजह से वो खिसके ना। ये सारी दिक्कत पता है मेरे बालों की वजह से होती है और कुछ नहीं है। मेरे बाल ऐसे हैं कि वो फिसलने देते हैं। उस दीदी को लेके ही चलेंगे घर, लेके ही चलते हैं। ये लिया मेरी बहन ने। आज हमारे घर पे आ रहे पिज्जा। पहुंच चुके हैं जिम। आज है बैक एंड बाइसेप डे। सर्दियों में कर रहा हूँ 2-2 एक्सरसाइज पर डे क्योंकि बोलते हैं इससे फास्ट बर्न होता है, तो इन सर्दियों को ये ट्राई करके दे देते हैं, ये ट्राई करके देख लेते हैं। ऑन दो मैंने पहली बार ही वर्कआउट कर रहा हूँ, लाइक मतलब 6 महीने हुए हैं, तो जस्ट ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ बॉडी को। चलो